सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वार्म अप के बारे में। जैसे कि दो पिछली वीडियो मैंने शूट की थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आप लोग अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे हैं, वर्कआउट करना शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों को फर्स्ट डे जिम के अंदर या फिर घर पे कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। तो आज मैं आपको वार्म अप के बारे में बताने वाला हूँ, वार्म अप करना ज़रूरी क्यों है, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से अच्छे तरीके से वार्म अप हो पाएँ और आप लोगों को इंजरी ना हो और आपके मसल्स के अंदर मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग आ जाए, जिसकी वजह से आप लोगों को वर्कआउट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आप लोगों का मसल एंड माइंड कनेक्शन अच्छा बनेगा और आप लोग इंजरी से बच जाएंगे। तो यही बेनिफिट होता है, आप लोगों को मिलता है वार्म अप करने का। तो वर्कआउट से पहले चाहे कोई भी वर्कआउट है, कुछ भी करना है आप लोगों को, चाहे रनिंग करनी है, चाहे कोई गेम खेलनी है, तो आप लोगों को सबसे पहले वार्म अप करना पड़ेगा। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज मिलने वाली है इन फ्यूचर में, जो कि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी फिटनेस जर्नी के लिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये जो एक्सरसाइजेस मैं आपको वार्म अप के लिए बताने वाला हूँ, ये एक्सरसाइजेस आप लोग जिम के अंदर भी कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट और घर पे भी कर सकते हैं। तो जल्दी से एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं। वार्म अप के लिए आप लोगों को कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सबसे पहले आपको अपनी आर्म्स को सर्कल वाइज घुमाना होता है कुछ इस तरीके से आगे की तरफ, देन उसके बाद आपको रिवर्स घुमाना होता है ऐसे। तो कम से कम 30 सेकंड आप लोगों को ऐसे घुमाना अपनी आर्म्स को, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से बॉडी के अंदर हो सके। देन दूसरी वेरिएशन आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे, देन उसके बाद स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से अपनी चेस्ट मसल की। स्ट्रेचिंग करनी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन नेक की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो अपर एरिया है, जो ब्लड सर्कुलेशन है दिमाग के अंदर, वो अच्छे तरीके से हो सके। वो कैसे करना है, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो कम से कम 10 से 15 सेकंड आप लोगों को ऐसे करना है। क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है, अगर आप लोग अपनी नेक की स्ट्रेचिंग या फिर उसे वार्म अप नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि आपके जो नेक के मसल्स होते हैं, जो जहाँ पे आते हैं ट्रैपीजियस मसल, वो स्टिफ हो जाते हैं। देन उसके बाद आपको दिक्कत आती है, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आप लोगों के। देन उसके बाद आप लोग अपनी ओवरऑल बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे। देन जंपिंग जैक कर सकते हैं, हाई नहीं कर सकते कुछ इस तरीके से। ये जो एक्सरसाइज है 20 से 30 सेकंड ही करनी होती है, जैसे जंपिंग जैक्स 30 सेकंड किया, देन ये 30 सेकंड किया, देन उसके बाद पुशअप कर सकते हैं, जो कि चेस्ट मसल को आपके जो शोल्डर मसल्स है, आपका कोर है, उसको आप वार्म अप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो कुछ इस तरीके से पुशअप करने हैं। जरूरी नहीं है कि 20-30 पुशअप करने हैं, आप लोगों को 10-12 ही पुशअप करने होते हैं। देन उसके बाद हम लोग अपने लोअर बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, उसके लिए स्क्वाट्स करनी है कुछ इस तरीके से। तो ये सिंपल सा वार्म अप है, जो कि कोई भी कर सकता है। देन कुछ इस तरीके से करेंगे, स्ट्रेच भी करना होता है इसे, सुमो स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। 10-12 रेपिटेशन हर एक वेरिएशन के होने चाहिए, जो कि वार्म अप में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देन आप लोग अपनी लेग को स्विंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे, दूसरी लेग के साथ करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग घर पे एक सिंपल सा वार्म अप कर सकते हैं वर्कआउट से पहले। लोअर पोर्शन लेग्स की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है ये देख लो, कुछ इस तरीके से ऐसे आप लोगों को स्ट्रेचिंग करनी होती है। ये कर सकते हैं, अपने ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी ओवरऑल वार्म अप हो सके, देन उसके बाद आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाएंगे वर्कआउट करने के लिए। सो गाइज, ये था एक सिंपल सा वार्म अप वर्कआउट की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो वर्कआउट से पहले आप लोगों को वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप लोग इंजरी से बच सकें और अपना माइंड एंड मसल कनेक्शन सही तरीके से बना सकें और बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज कर सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिलेंगी, जो कि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी आप लोगों की फिटनेस जर्नी के अंदर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, तो मुझे सीधा DM करना है, इंस्टाग्राम पर रिप्लाई आपको मिल जाएगा।